हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे? हम भी अच्छे। और डेली के काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारा काम। मेरे कूलर में पानी डालना है मुझे। ये देखो, ये मिस्टर की पूजा हो रही है और उसके बाद में खाना डन हो गया है मेरा। आज हम लोग तो इसको गिलकी की सब्जी बोलते, आप लोग तुरई की सब्जी बोलते हो। हमारे इधर पूरा ही अलग आती है ऐसी गिलकी की सब्जी बने। और बहुत सारे खीरे रखे हुए हैं। उसके बाद में रोटी भी बन गई मेरी, डनी भी। उसके बाद आज मेरा काम है ये जो ना पेपर पढ़ पढ़ के किधर भी रख देते हैं। बहुत ढेर लगाने की आदत है। किसके किसके यहाँ ये आदत है, नहीं बदली जा सकती इनकी आदत। पूरे इतने ढेर पेपर इनकी आज घड़ी करके ऊपर भेज देती हूँ ताकि यहाँ जगह हो जाएगी रखने की। ये देखो कहाँ कहाँ पेपर जाए। आफ्टरनून हो रही, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया और हुआ ही नहीं मेरे से। मैंने अभी पॉपकॉर्न अब घर पे ही बनाए, वीडियो नहीं निकाल पाई हूँ। इतने अच्छे से बनी हुई है। अभी मैं ये खट्टे केरी की लोंची बना रही हूँ। चाय मेरी हो गई, दूध भी गर्म हो गया सुबह का। अभी तो नया दूध तो आया ही नहीं, सुबह की सब्जी रखी हुई है। वीडियो नहीं बना पाती हूँ जल्दी, बनाती तो हूँ परंतु टाइम लगता ना कहीं भी वीडियो बनाओ तो एकदम। और ये मैं घर का ही इसमें दही जमा रही हूँ। अभी थोड़ा तुरई का जमाया मैंने, थोड़ा सा घर में तुम कितना भी काम करो तो काम भी खत्म होता है। मैं एक केरी की बनाऊंगी क्योंकि मैं खट्टा ज़्यादा नहीं खाती हूँ। इन लोगों के लिए पतली वाली भूंजी बनाऊंगी, खिचड़ी के लिए खाने के लिए अच्छी लगती है। चलो गाइस, आप ब्लॉग में बने रहना और मेरा ब्लॉग देखते रहना, ठीक है? इसमें रख दी हमने केरी के पीसेस में डाल दूंगी ताकि अच्छे से पक। हम तो केरी बोलते हैं इसमें। बहुत से ब्लॉग में मैंने देखा कच्ची, फिर इसको आप आम बोलते हो तो फिर आम तो क्या बोलोगे आप, उसको भी आम बोलो। मैं देखा है बिहार साइड में कच्ची केरी को भी आम बोला जाता है। अब क्या बोलते हैं, कच्ची केरी को केरी बोलते हैं, पक्के आम को आम बोलते हैं। मैंने बहुत से ब्लॉग में देखा इसको आम बोलते हैं और उसको भी आम बोलते हैं, पक्के आम को भी आम बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको केरी बोलता, केरी बोलते हैं और उसको आम बोला जाता है। जो पके रहते हैं जिसको अपन जूस निकालते हैं उसको। साफ सफाई तो मैं बहुत बार करती रहती थी, मुझे किचन अच्छा भी नहीं लगता है। ये अभी क्या है, पॉपकॉर्न भूने तो फिर हो गया ये बार। हमने बोला था ये मकान बनाया था तो कि ये सेल होती दूर की बजाय यहाँ नीचे बना, तो बहुत ज़्यादा हाई फाई बोल रहे थे इसकी वजह से बनाया। और क्या हो गया, ये रखा थे ना, इसकी वजह से किचन हमारा बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है। कितना भी साफ करो तो वही नहीं होता है। और ये पानी बापर का रहता है, आटा लगाने का सब्जी का वो एक्स्ट्रा बाटना रहती है ताकि नल नहीं आए तो। और ये रोज की केन रहती है, डेली नहीं, एक दिन के आड़ में आती 20 लीटर आरओ का पानी। और आज हमने अंकुरित चने भी कर लिए तैयार, बहुत दिन में दिए मैंने। मथुरा वाले ब्लॉग जाके देखो, बहुत अच्छे बनाए मैंने। इसे तो लाखों लोगों ने बनाए होंगे पर मैंने भी मेरी
कोशिश रही, मेहनत करी, पर किसी ने नहीं देखा। बुरा भी लगता है कि मैं अभी, मेरे जून में 3 साल पूरे हो जाएंगे। और ये चादर ली थी तो देखो, नई मैंने ली थी, तो इसको मेरे को करवाना है आसपास से ना, वो मशीन फिरवाना है वाले कलर के, निकल भी नहीं रहे। इसको पूरी सिलाई करूँगी। मैंने 4 चादर, एक ये वाले कलर की और एक ये कलर की। टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ। मौसम देखो, ऐसा लगता जैसा ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम ही इतना पसीना आ रहा ना। ये देखो पूरा मेरा पसीना पसीना है, बहुत ज़्यादा। मेरी आँखें ऐसी रहती, मेरे पप्पा की भी थी ना, इसकी वजह से मेरी भी आँखें ऐसी रहती, सूजी सूजी लगती जैसे। बाप रे, बहुत ऐसे लगता, बहुत एजेड है। बहुत ओल्ड हो गए ना, क्या करे, एक दिन तो होना ही है ना। चलो, और वो एक ब्लॉग और बनाना है कि मैं मथुरा और वृंदावन से क्या क्या शॉपिंग करी, वो ब्लॉग भी बनाऊंगी। बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो ये मिस्टर ने ला के रखी हुई सब, ये उनका ऑफिस के, वो भी तो यही रखी हुई है। ये देखो बज बज दिखता है हमारे यहाँ, क्योंकि क्या करें, छोटा घर है और अकेले कितना सोर के रखूँगी। और फिर क्या है, संस्था भी स्टार्ट हो गई है हमारी संस्था। इसमें मेरे चने मूँग ये है ना, ब्लाउज भी इसमें बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं, बारीक कपड़े में बहुत जल्दी इतने अच्छे अंकुरित हो जाते हैं मूँग और चने। बस ये थोड़ा सा उगा लो, इसमें फ्राई करूँगी सौंफ की, इससे बहुत अच्छी लगती है। इसमें गुड़ डालूँगी, गुड़ की लोंजी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। बहुत छोका दे दूँगी राई जीरे का, सिर्फ राई जीरे का छोका ही देना रहता है, बहुत टाइम लगेगा अभी। और ऐसे हो रहे मेरे यार भी, अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेले एकदम बाहर का भी और घर का भी। चलो इसी के साथ, और ब्लॉग भी रेगुलर जाते हैं, 60 वीडियो तो मेरे इतने जाते, इतनी संख्या हो रही मेरी वीडियो की, मिलियन वालों की इतनी नहीं हो रही होगी इतनी मेरी। बहुत वीडियो डालती हूँ मैं, बहुत डालती हूँ। चलो गाइस, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय। यहाँ पे बारिश की तैयारी हो गई, गेहूँ भी भर दिए, अब ये धनिया पिसवाया और ये लाल मिर्ची पिसवाई, क्योंकि फिर बारिश ख़त्म हुई 3-4 महीने तक, वो जो पीसा हुआ धनिया मेरे पास था भी ख़त्म हो गया था।